अस्सलामुअलैकुम, मैं वानी सिद्धू और आज का जो करते हैं सुनी, आज सुबह सुबह ही चेक करें, बहुत तेज बारिश हो रही है, माशाल्लाह। तो मैं अपनी जब फुल और मैं बाहर के बाद करके मास्टर के में आया, मैंने कहा मास्टर के में जाके चेक करते हैं कहीं से अंदर से पानी तो नहीं जा रहा। बारिश बहुत तेज थी, हवा इधर को थी तो ठंड भी अंदर आ रही थी, बहुत तेज ठंड आ रही थी। अगर दिया है हमने लगाया था तो इसलिए मेरे मेजर आगे लगा दिया कि पानी अंदर न आए, तो ये तो हो गया हमारा काम खत्म, तो पानी नहीं आ रहा अंदर। यकदम ही माशाल्लाह बारिश आ गई थी, बहुत तेज आ गई, मैं बाहर से आया था तो फिलहाल तो थोड़ा थोड़ा अंदर पानी आया है, तो वो निकल जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो वैसे तो वो ठीक हो गया हमारे घर दिखा कर हम आगे चलना लगा दिया। ये बस साथ साथ ठंड आई है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें अंदर आई हैं, ये तो खुशक हो जाएगा। तो वैसे तो पीछे से सूखा ही हुआ है, बस यही साइड का डूबे आ गया थोड़ी थोड़ी। बारिश बहुत तेज आई थी ना, थोड़े फिर भी अपने घर में चले गए हैं, तो ये टायर भी आराम से बैठ गए हैं चुप करके, कबूतर भी मेरे आराम से बैठे हुए हैं चुप करके, चेक करें तितलियाँ भी अंदर बैठी हुई हैं कबूतरों के साथ, और ये वाले पैरट भी आराम से चेक करें, तीन को बैठ के झूला ले रहा है, ये भी आराम से बैठे हुए हैं, ये भी बैठे हुए हैं आराम से माशाल्लाह। सर्दी लग रही है, मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है, मैं वाइट से आया था ना। ये चेक करें छोटा सा सुराख है, ये वेल्डिंग करते हुए बन गया, तो वैसे इसको फिलहाल हम बंद कर देंगे सीमेंट के साथ। तो पानी अंदर आ रहा था, मुझे अचानक ही नजर पड़ी है दाना पड़ती, तो फिर हमारा सारा मार्केट के भी ला जाना करना था, इनको दाना छाना वगैरह पूरा डाल देते हैं, क्योंकि बारिश आई थी ना तो इसलिए घर के अंदर चले गए थे, वगैरह फिर भी नहीं डाल रहे, क्या करें चिकनी का, इनको दाना डाल देते हैं। अबू जी अंदर आए, हाँ जी आ जाए फटाफट, आ जाए आ जाए आ जाए, बारिश तो कम हुई है, आ जाए आ जाए। तो ये थोड़ा थोड़ा ही आ रहे हैं अंदर, तो अबू जी वहाँ सुराख है एक छोटा सा, इधर है वो छोटा सा, वहाँ पे सुराख है, उसके ऊपर सीमेंट लगा दें, ये हाँ जी। मैं ना ना था तो खरगोशों का घर खराब हो जाना था, पानी अंदर चले जाना था, हाँ जी। तो मैं भागता हुआ और मैंने चरना लगा दिया बाहर, हाँ जी, सारा पानी अंदर को आना था, और वैसे रहा बिरस अंदर ही है, हाँ जी, अब चला जाएगा उधर को पानी, तो चोएगा तो ना उनका घर, बाहर जो था तूड़ी डाली है ना उसके छत के पड़े हैं बिस्के, वो हमने अभी ईटे लगा के प्लेन करना है, क्योंकि सारा पानी इधर को आए नीचे को, तो चलना फिलहाल लगाया है, तो वो भी बाद में करेंगे, फिलहाल तो बारिश एकदम ही आ गई थी, हाँ जी। तो ले आएंगे कि हमने को सब ज्यादा डालनी है, ये वाली साइड है खाने वाली साइड पे डालनी है, बिस्के घर को बेचारे हैं और इनको बेचारे हैं, ठंड ना लगे इनको, सामने वाली साइड पे बस लगनी है हमारी, पीछे वाली तो दीवार है। अबू जी कह रहे थे कि सर्दियां भी आगे आने वाली हैं, तो तिरपाल लगा इसके आगे लगानी है, उधर भी लगानी है इसके आगे,
बड़े सी तरपाल ले आएंगे और जानवरों को बिछाने के लिए सर्दी से लगा लेंगे। कभी बहुत काम पड़ा हो अम्बास्टर के, इनमें वो भी हमने भी करनी है। बारिश से भी बच जाया करेंगे मेरे परिंदे चरिंदे और सर्दी से भी बच जाया करेंगे। तो वैसे अभी बारिश थोड़ी सी कम हुई है तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है बारिश में। मैंने अपने परिंदों को बस बचाना था, वो मैंने बचा लिया। तो खुद तो मैंने बारिश में नहाना था, वो भी मैं नहाने लगा हूँ। तो बारिश तो ख़त्म होती जा रही है। तो जब हवा इधर की होती है ना तब पानी अंदर जाता है, वैसे तो नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा जाता है अंदर, तो फिर बाहर आ जाता है तो खुशक हो जाता है। वैसे आज ही है पानी तो बाद पहले तो कभी नहीं जाता, बाद में तो धूप निकलानी होती है। ये है जी हमारा प्यारा सा टर्टल, इसको हमने दो दिन खाना खिलाया, इतना सही से नहीं खाया तो इसने खुद ही खाना था। ये खुले गीजे होते हैं तो इसको फिलहाल हम जहाँ से आया वहीं छोड़ के आएंगे। ये चेक करें, पकड़ लेते हैं इसको, इधर को आओ, चेक करें मिट्टी खोद रहे, देखो मुझे तो डर भी लग रहा है। ये लें जी हमने टर्टल के बेबी को पकड़ लिया, तो अब इसको बाहर उतार करने के लिए लेके चलते हैं। हमने कहा कि इसको बाहर क्या छोड़ना है, यहाँ से छोड़ देते हैं। हमारी नाल से चेक करें कहाँ को जा रहा है, भाग गया जी। अब इसने खुद ही चले जाना है बड़े स्विमिंग पूल में, और हमारी डक्स भी बाहर ही हैं। वो चेक करिए वो कैसे घूम रही है पानी के अंदर, वो बड़ी बड़ी डक्स भी चेक करें माशाल्लाह कैसे नहा रही है। नाली है, इसके रास्ते से आया था तो फिर वहाँ से चला गया, तो माशाल्लाह चेक करें हमारी डक्स कैसे घूम रही है। बड़ी डक्स मेरा दिल करा पकड़ के घर ले आओ, वो चेक करें कैसे पंख मार रही है ऐसे ऐसे करके। बारिश में मेरी मुर्गी ने भी नहा लिया, बाहर ही थी तो इनको भी लेके चलते हैं, घर चली गई हैं जी। तो चलो बाजू बाजू ये चेक करें आप कैसे घूम रहे हैं सारे परिंदे, बाहर निकल आए हैं। तितली चेक करें किधर चली गई हुई है, और रैबिट्स भी बाहर घूम रहे हैं मगर इनके बेबी नहीं घूम रहे, एक ये बैठा हुआ है, और मुर्गियां भी यहाँ पे हैं घूम रही हैं। एक घंटा ही बारिश हुई थी मगर बाद में तो धूप निकल आई है बहुत तेज, और मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए, मैं भी फ्रेश हो गया हूँ। ये हमारी कट्टी इधर बंधी हुई है, इसको हवेली साइड पर लेके जाना है, तो इधर से खोलते हैं और आज जी अपनी कट्टी को इसके साथ बांध दें, यहाँ से निकाल के यहाँ पे बांध दिया जी अपनी कट्टी को। मैं तो गया हुआ था लेके बकरियां लेके आ गया वापस, और अब्बू जी घर नहीं है क्योंकि अब्बू जी लेके गए हुए हैं भैंसे, तो बस दो तीन इधर हैं, तो अब्बू जी भैंसे चरवाने के लिए लेके गए हुए हैं, जब आते हैं तो फिर उनके साथ मिल के तो पानी भी डाएंगे और ताड़े भी निकलवाएंगे।